हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिस्ट स्टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की निफ्टी एनालिसिस। देखिए, निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो आज 29 पॉइंट की गिरावट के साथ में 17,063 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। यानी कि आज भी 17,100 एंड 17,200 के लेवल्स हम लोग सेव नहीं कर पाए। निफ्टी बैंक की बात करेंगे, 37,392 पर क्लोजिंग है। यहां पर मामूली सी 20 पॉइंट की गिरावट के साथ में ये क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। एंड आज देखिए, जो सिचुएशन थी मार्केट्स में वो बहुत ही लेस वोलेटाइल वाली थी। बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट ने अपने लेवल्स को कंडक्ट किया, एक्सेप्ट वन थिंग जो मैं अब यहां पर आगे आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहा हूं। अब देखिए, मैं कुछ ऐसी चीज आपको दिखाता हूं यहां पर चार्ट्स के ऊपर, जिसको देख के आप क्लियरली कह पाएंगे कि यूक्रेन इशू इस वक्त या पर्टिकुलरली आज की अगर हम बात करें तो मार्केट में कुछ भी काम करते हुए नहीं नजर आया। हालांकि डेली बेसिस पर एवरी 6 आवर्स आपको एक नया अपडेट मिल जाता है। कुछ फ्रेश सैंक्शंस यूएस ने एंड यूरोप ने लगाए हैं रशिया के ऊपर। इनफैक्ट उनकी जो नॉर्ड 2 लाइन है, यानी कि जो गैस पाइपलाइन है, उसको भी रोकने का वहां पर बात कही गई है जर्मनी के द्वारा। लेकिन बावजूद इसके ग्लोबल मार्केट्स, इनफैक्ट रशियन मार्केट्स ने कोई खास इंपैक्ट नहीं दिखाया नेगेटिव साइड में। आज आप देखेंगे सिचुएशन क्या थी, फर्मली हम लोग एक गैप डाउन या गैप अप नहीं हुए, हम लोग क्लियरली फ्लैट सी ओपनिंग होती हुई दिखाई दिए। और यहां पर हमने मात्र 120 पॉइंट से ज्यादा का मूव आज निफ्टी के अंदर नहीं देखा। आज की शुरुआत में जो हाई लेवल्स अटेन करे थे वो थे 17,220 के, एंड पूरे दिन में जो लोएस्ट पॉइंट अटेन किया था वो था 17,120 के आसपास का। यानी कि पूरा दिन 100 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट कामकाज करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन लास्ट के आधे घंटे के अंदर, क्योंकि हम लोग 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हैं और ये लास्ट के अब दो कैंडल्स देखे, ये वाली लास्ट की कैंडल में एक ऐसा ऑर्डर प्लेस हुआ FIIs के द्वारा जिन्होंने पूरी की पूरी तेजी को या पूरे उस फर्म मार्केट को हिला के रख दिया। एंड ये जो 100 पॉइंट की रेंज थी ये एक्चुअली में भड़ के अब हो गई थी 170 पॉइंट्स, यानी कि पीक से 170 पॉइंट्स की गिरावट यहां पर आती हुई दिखाई दी केवल लास्ट आधे घंटे के अंदर। तो यहां पर आज जो इंपैक्ट रहा है वो यूक्रेन इशू का नहीं रहा है, वो कोई और रीजन से नहीं रहा है, केवल और केवल FIIs की सेलिंग की वजह से आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि एक बार फिर से फुल इंटेंसिटी के साथ में FIIs ने सेलिंग करी है। चलिए मैं आपको डेटा दिखा देता हूं क्या कुछ डेटा रहा है, लेकिन उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी की तरफ भी हम लोग चलते हैं, वहां पर भी देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, मैं आपको निफ्टी भी दिखा देता हूं डेली चार्ट पर। इसके RSI के हिसाब से आप देखेंगे दोनों ही इंडाइसिस में कोई बहुत बड़ा चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। यानी कि आने वाले टाइम में भी आपको यहां पर कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिल सकता है। अब यूक्रेन इशू का तभी कोई इंपैक्ट आएगा जब रशिया यूक्रेन के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो। इसके अलावा जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे उसका कोई मेजर इंपैक्ट आपको नहीं आने वाला। अब मैं आपको डेटा दिखाता हूं FIIs एंड DIIs का, यहां से हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में आज उन्होंने क्या किया है। देखिए, पूरे अगर आप फरवरी सीरीज की बात करें, फरवरी मंथ की इनफैक्ट बात करें, क्योंकि सीरीज नहीं कहूंगा, सीरीज मैं कहूंगा F&O के रिस्पेक्ट में, और वो 24th ऑफ फेब को एंड हो जाएगी। मैं बात करता हूं मंथ ऑन मंथ के बेसिस पर। अगर हम मंथ टिल डेट को देखें तो 30,853 करोड़ की सेलिंग FIIs ने अभी तक कैश मार्केट में करी है, जबकि उसके अगेंस्ट में शुरुआत में तो इंटेंसिटी बहुत कम थी, लेकिन अब जाके आप देखिए काफी हद तक कंपनसेट किया है DIIs ने। तकरीबन 26,000 करोड़ की यहां पर बाइंग करी है, तो अब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। तकरीबन 4,000 से 5,000 करोड़ का डिफरेंस यहां पर होते हुए दिखाई दिया है। आज की अगर हम पर्टिकुलर बात करें यानी कि 23 फरवरी की, तो 3,417 करोड़ की यहां पर सेलिंग करी है FIIs ने, एंड इसके अगेंस्ट में 3,000 करोड़ की बाइंग करी है DIIs ने। तो नेट नेट नेगेटिव फिगर जरूर है, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जो फर्मली यहां पर काम करते हुए दिखाई दी, उसके पीछे यही कारण था कि लिक्विडिटी प्रोड्यूस की गई DIIs के द्वारा, और लास्ट में इसी लिक्विडिटी को काउंटर करते हुए FIIs ने जबरदस्त सेलिंग करी है। हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि इस FIIs की लगातार सेलिंग अप्रैल 2021 से हमारी मार्केट्स में जारी है, एंड अप्रैल 2021 में अगर आप देखें मार्केट्स कहां पर थे और इस वक्त कहां पर है, तो आपको ये चीज अंदाजा लग जाएगा कि इनका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में नहीं है। अगर हम यूएस फेड के इंपैक्ट को निकाल दें, अगर हम बॉन्ड टेपरिंग की वजह से जो डेंट आता हुआ दिखाई दिया मार्केट में उसको निकाल दें, अगर हम COVID-19 की सिचुएशन को, अभी रिसेंट में जो बेसिकली थर्ड वेव की बातें हुई हैं, उसको निकाल दें,
और साथ में अभी हम जो ताजा चल रहा है यूक्रेन इशू इसको निकाल दें, तब आप देख पाएंगे कि हमारे मार्केट में एक बार भी कोई ऐसा बड़ा डेंट नहीं ये लोग लेके आ पाए हैं जिसकी वजह से मार्केट क्रैश वाली सिचुएशन में पहुंच जाए। आप देखिए जितने भी ग्लोबल मार्केट्स हैं, स्पेशली हम लोग यूएस मार्केट्स की बात कर रहे हैं, सभी अपने 200 डेमा से नीचे इस वक्त ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन मार्केट्स इतना ज्यादा क्रैक होने के बावजूद भी फर्मली 200 डेमा के ऊपर कामकाज कर रहा है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में एग्जैक्टली दिखा दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 18,600 के लेवल्स को अटेन करने के बाद में हम लोग अभी भी वही बहुत बड़े क्रैक में नहीं है, तकरीबन 1000 पॉइंट नीचे हम लोग अपनी पोजीशंस को फर्मली होल्ड कर रहे हैं। नीचे की तरफ 16,850 पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो गया है हमारे लिए, एंड ऊपर की तरफ 17,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएटेड है। लेकिन अगर इस दायरे में भी मार्केट घूमता रहे तो भी आप ये मानिएगा कि ये लिक्विडिटी का जो इम्पैक्ट है ये पॉजिटिवली काम कर रहा है इंडियन मार्केट में। आई होप सारी कंडीशन आप समझ में आई होगी आपको, और यही वो चीज है जो लॉन्ग टर्म में, यानी कि हम लोग मिड टर्म की बात नहीं कर रहे, हम लोग शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे, अगर लॉन्ग टर्म में आप इंडियन मार्केट्स देखें तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करना है आपको इंडियन मार्केट्स को, ना ही शॉर्ट करके चलना है। प्रोजेक्शंस बहुत बड़े हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको आगे की तरफ लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। चलिए एज ए ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखते हैं आज विक्स में क्या रहा है। विक्स की अगर आप बात देखें तो 8% यहां पर डाउन होती हुई दिखाई दी है, एंड ये और भी ज्यादा डाउन हो जाती अगर लास्ट के आधे घंटे के अंदर ये सेलिंग ना आती, क्योंकि लास्ट में जो एफआईआई इसने सेलिंग करी है उसने विक्स को जो शूट अप करा दिया है तकरीबन 24 के लेवल से 25 के लेवल्स पर। तो ये देखिए एक मेजर यहां पर राइज हुआ निफ्टी विक्स के अंदर। ये हमने विक्स की बात कर ली है, अब हम चलते हैं देखिए स्टॉक मार्केट्स के ऊपर किस तरीके से वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। तो आप सिचुएशन देख पा रहे हैं, ना ही केवल इंडियन मार्केट्स बल्कि आप ये देखिए यूएस के मार्केट भी फ्लैट सिचुएशन में इस वक्त कामकाज कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, आज के टाइम में यानी कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो इंडियन मार्केट्स एसजीएक्स निफ्टी एंड यूएस फ्यूचर्स को बहुत जबरदस्त तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर आपको एक दो घंटे की ट्रेड लेनी है, तीन घंटे की ट्रेड लेनी है, सुबह 10 बजे 11 बजे आप ट्रेड बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है उसको थोड़ा सा आप देख पाए, तो यूएस फ्यूचर्स की एक विंडो साइड में खोल लिया कीजिए। जिस तरीके से यूएस फ्यूचर्स काम कर रहे होते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से इंडियन मार्केट्स फिलहाल रेस्पॉन्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अगर मैं 100 out of 100 मैचिंग की बात करूं तो मुझे लगता है क्योंकि मैं बार बार यूएस फ्यूचर्स को देख रहा हूं और उसी के बेसिस पर ट्रेड ले रहा हूं, तो ऑलमोस्ट 80% यहां पर आपको यूएस फ्यूचर के हिसाब से इंडियन मार्केट्स इस वक्त मैच करते हुए नजर आ जाएंगे, और ओपनिंग जो है तकरीबन 80-90% एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से होती हुई दिखाई देती है हर दिन मॉर्निंग में। तो ये दोनों इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस फ्यूचर्स सुबह 4:30 बजे आईएसटी के हिसाब से ओपन हो जाते हैं, आपको वहीं से देखना चाहिए कि यूएस फ्यूचर्स में गैप अप गैप डाउन या कितने परसेंट का चेंज दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी एक ऐसा सिंगापुर निफ्टी जिसको हम लोग बोलते हैं वो इंडेक्स है जो दिन में तकरीबन 16.5 घंटे कामकाज करते हुए नजर आते हैं। 16.5 घंटे का कामकाज वहां पर होता है, एंड सुबह 6:30 बजे से लेके और रात को 11:30 बजे तक एसजीएक्स निफ्टी काम करता है। तो इसके ऊपर ग्लोबल जो न्यूज होती है उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे आता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए मैं समझता हूं ये दोनों जो इंडेक्स हैं आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको दिमाग में लेके अपनी ट्रेड को बनाना चाहिए। अगर हम लोग बात करें देखिए इस वक्त यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में अगर हम लोग जर्मनी से देखना शुरू करें, ये देखिए जर्मनी जो है बिल्कुल फ्लैट है। फुटसे की बात करेंगे, यूके का मार्केट फ्लैट सिचुएशन है। फ्रांस आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट है। यूरो स्टॉक्स आप देखिए जो तकरीबन 12:30 बजे दिन में खुल जाता है, उसके बाद सारे मार्केट्स खुलते हैं, वो भी फ्लैट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे बाकी जितने मार्केट्स हैं इटली वगैरह के, वो सब ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। तो मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन है और इंतजार कर रहा है मार्केट के यूक्रेन इशू पे, अगर कोई अटैक वाली सिचुएशन बनी तब तो मार्केट को नीचे जाएगा एक बार के लिए। अगर कोई भी वहां पर रशिया बैकफुट पे आती हुई दिखाई दी या फिर वॉर वाली सिचुएशन जो है वो वापस होती हुई दिखाई दी तो एकदम से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर शूट अप भी कर सकता है। तो अल्टीमेटली देखिए अब इंडियन मार्केट्स के लिए हमारे पास में जो सिचुएशन है वो है डोमेस्टिक इवेंट जो 10 मार्च को रहेगा, एंड 10th ऑफ मार्च को हमारे लिए जो स्टेट इलेक्शंस हैं वहां पर रिजल्ट कैसे आ रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है। निकाई की बात करेंगे तकरीबन 2.25% की गिरावट यहां पर दिखाई दे रही है। चाइना A50 के अंदर देखिए तकरीबन 0.5% की तेजी है, एंड हांगकांग के अंदर यहां पर 0.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है।
और वहां पर सिचुएशन जो है वो COVID-19 की वजह से थोड़ी सी पैनिकिंग वाली बनी हुई है। अब देखिए चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। अब हमारे पास में कल एक्सपायरी यानी कि 24th ऑफ फेब की आपके पास में एक्सपायरी है एंड निफ्टी का स्पॉट जो है 17,063 के ऊपर आ गया। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, कल 17,092 पर क्लोजिंग थी। देखिए एक चीज दिमाग में रखिएगा कि अगर एक हफ्ता तकरीबन एक हफ्ते के ट्रेडिंग सेशंस यानी कि हफ्ते से 10 दिन अगर यूक्रेन का इश्यू सेम कंडीशन के साथ में चलता रहा तो मार्केट धीरे धीरे फर्मली 17,800 को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, ये मैं बात बता रहा हूं 10th मार्च से पहले की, यानी कि 10th मार्च से पहले ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन यूक्रेन से नहीं आती जहां पर रशिया को अटैक करना पड़े। पहली चीज 10th मार्च से ठीक एक या दो दिन पहले जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू होंगे वहां पर अगर रूलिंग पार्टी की जो तेजी बनती हुई दिखाई दी यानी कि रूलिंग पार्टी अगर जीतती हुई दिखाई दी तब हम लोग 10th मार्च को एक बड़ा अपसाइड देख सकते हैं जो 18,000 प्लस के लेवल्स पर निफ्टी को लेकर डेफिनेटली जा सकता है। ये एक अनुमान है, ये बेसिकली एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा जरूरी नहीं है। इलेक्शंस के रिजल्ट क्या आने वाले हैं क्या आएंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन यूक्रेन इशू अगर शांत रहा आने वाले एक हफ्ते में तो 17,800 हम लोग जरूर पहुंच सकते हैं। अब ये वो एरिया है 17,800 का जहां पर हमारे पास में सप्लाई आ जाती है यानी कि एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है। तो इस एरिया को निकालने के लिए ये 10th मार्च वाला जो हमारे पास में फैक्टर है वो काम करेगा। तो इसलिए इस बार बहुत पॉजिटिव चांस है कि इसके ऊपर जब हम बार बार आके अटक जाते हैं तो ये इस बार 18,000 के लेवल्स को निकाल सकता है। अब हम लोग देखते हैं कल की जो एक्सपायरी है वो ऑप्शन सेलर्स कहां करवाने के मूड में है। पहले कॉल साइड के ऊपर नजर डालते हैं। अब देखिए अगर आप 17,050 का जो ये ऑड स्ट्राइक प्राइस है ये एक्चुअली में एटीएम आपके लिए बन गया है एक स्ट्राइक प्राइस। अब 17,100 के ऊपर क्या सिचुएशन है कि 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का आउटस्टैंडिंग ओआई है जिसके अंदर से तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 49-48% के आसपास आज एडिशन होता हुआ दिखाई दिया है। तो 17,100 भी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई देगा। बट अगर यूएस मार्केट अगेन सेम सिचुएशन के साथ में क्लोज हुए यानी कि फ्लैट टू पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में क्लोज हुए तो कल के लिए कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने नहीं ऑब्जर्व आप कर पाएंगे सुबह मॉर्निंग में। इट मींस कि आपका जो निफ्टी है स्टार्टिंग में हल्के फुल्की फ्लैट ओपनिंग के साथ में धीरे धीरे फर्मली ऊपर की तरफ ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे सकता है और 17,100 के लेवल उस कंडीशन में पार होते हुए दिखाई देंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं 17,200 पर आप देखिए 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई अप्रॉक्सीमेटली यहां पर बैठा है जिसमें से 87,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली आज ऐड हुए हैं। तो ये है आपके लिए की रेजिस्टेंस। 17,200 अगर कल निकला तब एक बड़ा मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज यहां पर जो ये आउटस्टैंडिंग ओआई है ये हर तरीके से निफ्टी को 17,200 के ऊपर जाने से रोकेगा। तो 17,500 तक जाने के लिए 17,200 क्रॉस होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल्स बन गए हैं। 17,200 एक साइकोलॉजिकल लेवल बन गया है इसलिए अगर कल ये पार हुआ तो अब आपको एक्सपायरी 17,300 के नजदीक होती हुई भी दिखाई दे सकती है जहां पर अगेन 117,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए इट ऑल डिपेंड्स कि शुरुआत में मार्केट किस तरीके से मूव करता है। अगर कोई गैप डाउन नहीं होती तब डेफिनेटली 17,300 को अप्रोच कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तब डेफिनेटली 17,200 जितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ये और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए जो कल की रेंज है देखिए कल अपर रेंज मैं बेसिकली 17,300 को देना चाहूंगा कि कल आपको निफ्टी यहां तक टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब पुट साइड में देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए पुट साइड में क्या सिचुएशन है कि 17,000 के ऊपर 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई है एंड ये सपोर्ट जो है एक्चुअली में वीक पड़ता हुआ दिखाई दिया है। -23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद में 1,07,000 है। आप देख पा रहे होंगे हर वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं 17,000 का सपोर्ट जो है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरीके से हमें दिखाई दे रहा था लेकिन आज अगर आप देखें 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहां से निकलते हुए दिखाई दिए तो इट मींस ये जो सपोर्ट है वीक पड़ा है। इसलिए 17,000 नहीं हम 17,900 की अगर हम बात करें तो 17,900 पर तकरीबन 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और यहां पर भी सपोर्ट वीक पड़ता हुआ नजर आया है। तो देखिए यूक्रेन इशू अगर काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है
कि अभी के स्पॉट से 17,060 के स्पॉट से आपको 70-80-90 पॉइंट FIIs अपने दम पर एक बार बास्केट ऑर्डर में नीचे खींचते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो लोएस्ट रेंज जो है मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16,900 की रहनी चाहिए कल के लिए। तो कल निफ्टी के लिए मैं समझता हूँ ये 400 पॉइंट्स का रेंज आपको कल देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर सिचुएशन जो है वो यही है कि अगर विक्स कंट्रोल हुआ यानी कि विक्स अगर नीचे और आया तो मार्केट फर्मली इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आएंगे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग 17,500 को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। ये मेन की पॉइंट रहने वाला है कि 17,500 अप्रोच हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि इसके बाद ही ऊपर के लेवल्स की ट्रैजेक्टरी ओपन होती हुई दिखाई देगी। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे किस तरीके से मार्केट्स ने आज रिएक्ट किया है एंड कहां कल की एक्सपायरी आपको होते हुए दिखाई देगी। तो ये देखिए मार्केट की एनालिसिस इस वीडियो में फिलहाल इतना। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।